आम आदमी पार्टी के मुख्य संगठक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई, जिसके चलते नागपुर स्थित संविधान चौक पर ढोल बजाकर आप कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया। तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में सत्य की जीत हुई है। देश का संविधान मजबूत है और देश का मार्गदर्शन कर रहा है। अब इस चुनाव में देश की जनता सत्य के पक्ष में वोट करने जा रही है, ऐसी प्रतिक्रिया देते हुए सभी आम आदमी कार्यकर्ताओं ने संविधान चौक पर जश्न मनाया। इस समय विशेष रूप से बारिश सावरकर, अशोक मिश्रा, कविता सिंगल, कुरुतल आखरी, एडवोकेट रविंद्र गिडोड़, शंकर इंगोले, हरीश गुरबानी, मोरेश्वर मोडेकर, अजय धर्मा, संतोष वैद्य, पीयूष अकरे, प्रभात अग्रवाल, सुरेश खड़गे, कमलाकर औचट, प्रज्ञेशोल सोमकुवर, नेहा सोमकुवर, सारिका भगत, संदीप कोवे, विकास खड़े, आकाश वैद्य, दया यट्टा, आकाश कावाड़े, संदीप कोवे, विनीत गजबीय, अमन मिश्राम, स्वाति चौधरी, रेखा बंसोड़, विजय धकाते, दिलीप कुंभारे, वरुण ठाकुर, अर्चना शेबेकर, एमएस अहिरवार, फहीम अंसारी, सलाम भाई, मोहम्मद इस्माइल भाई, जावेद मालाधारी, वरुण ठाकुर, मंकेश डांगरे, श्वेता, रेखा बंसोड़, राहुल वासमवार, संजय बारापात्री, जावेद अहमद, विकास और अन्य आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस समय पूर्व राज्य कोषाध्यक्ष आम आदमी पार्टी जगजीत सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मोदी सरकार ने षड्यंत्र रचे, अरविंद केजरीवाल जी को एकदम चुनाव से पहले उन्हें जेल भेज दिया। 2 साल पुराना केस है, 2 साल बाद उनको कार्रवाई करने की याद आती है, 2 साल बाद उनको जेल में डालने की याद आती है, क्योंकि उनको समझ गया कि केजरीवाल अगर खड़ा रहेगा तो फिर हमारी मुश्किल हो जाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। उन्होंने जो इंटरिम बेल दी, देश के लिए, देश के संविधान के लिए, देश की आज़ादी के लिए, हमें उसका सम्मान करते हैं कि उन्होंने आदमी की इंडिपेंडेंस, उन्होंने कहा कि ना ये क्रिमिनल है ना ये थ्रेट है सोसाइटी के लिए, कि ये मोदी सरकार के वकील इतना घटिया आर्ग्यूमेंट उनके सामने अमृतपाल का रखते हैं कि अमृतपाल भी हमारे से डिमांड कर रहा है। अमृतपाल और अरविंद केजरीवाल को कंपेयर किया जा सकता है? वो एक आउटफिट में आदमी जुड़ा हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने देश के संविधान से काम किया हुआ है, कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, ये कंपेयर नहीं कर सकते आप करके। ये ना सोसाइटी के लिए थ्रेट है ना किसी के लिए, इनको इंटरिम बेल मिलनी चाहिए। कोर्ट ने अगले हफ्ते पूरी आर्ग्यूमेंट रखी है, आर्ग्यूमेंट में वो पूरा आर्ग्यूमेंट कंक्लूड करके ऑर्डर करने वाली है। आम आदमी पार्टी पूरी उम्मीद करती है कि अगले हफ्ते ये जो फर्जी केस मोदी जी ने लगाया हुआ है वो केस खत्म हो जाएगा, ये बेल रेगुलर हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली की जनता का पूरा सेवा कर पाएंगे। की सबसे बड़ी खासियत थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने बेल के लिए अपील नहीं किया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईडी को डांट लगाने के बाद जब कुछ भी सबूत नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस श्री संजीव खन्ना जी ने खुद ही बोला कि इनको इंटरिम बेल मिलना चाहिए और उसके ऊपर उन्होंने खुद ही ईडी के ऊपर प्रेशर दिया। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।